गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल्स ऑन ऑपरेटर्स, सम एग्जांपल्स ऑन ऑपरेटर्स व्हिच इज बैकवर्ड और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर। संकारक और पश्चिम संकारक पर हम लोग इनका ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल्स, आज हम एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पास कोर्स के विद्यार्थियों को जो हमारी बुक है उन बुक के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह के ऑपरेटर्स को किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे उनको आज फिर देखेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको बैकवर्ड ऑपरेटर की। जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बैकवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये हम डेफिनेशन जानते हैं तीनों ऑपरेटर्स की, जो कि परिभाषा हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल हम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, बैकवर्ड में हम किस एग्जाम्पल के रूप में इसका कुछ निकालेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, दिस इज योर बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड ऑपरेटर की यूजिंग डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एक्स माइनस h, so this is equals to, using this fx equals to x square plus 2x, f of x minus h, taking h equal to 1, so f of x minus 1 equals to x minus whole square minus 4 plus twice x minus 1. When you put x equals to x minus 1, so x minus 1 whole square minus x minus 1. So this is your x square minus 2x plus 1 plus 2x minus 2. So 2 into 2 cancel, x square minus 1. This is your f of x minus 2. So this is when you put f of x minus f of x minus 1, fx equals to x square plus 2x and minus f of x minus 1 is x square minus 1. So this implies x square plus 2x minus x square plus 1. X square cancel. This is your 2x plus 1. This is the definition, using the definition of backward operator, delta f of x is fx minus x minus 1. Now, another example, second example, example 2, delta of cos x equals, here fx equals to cos x, f of x plus minus h, तो बैकवर्ड निकालना है इसलिए x minus h, हमें बैकवर्ड निकालना है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं x minus h की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो दिस इज योर cos x minus h minus cos of x, fx minus f of x minus h, fx equals to cos of x minus cos of x minus h. Using the formula of cos c minus cos d, cos c minus cos d का formula use करें तो twice of sin x plus x minus h upon 2 into sin x minus h minus h upon 2. So this implies twice of sin 2x minus h upon 2 or sin minus h by 2. So this implies minus 2 sin x minus h by 2 or sin h by 2. So using the backward operator you have in this formula,
fx minus f of x minus h, fx minus f of x minus h, h is equal to 1. So आपने देखा है example for backward operator और एक example हमने forward operator जो previous videos में आपने देखा था. अब इसी तरीके से हम कुछ example book में जो unsolved questions हैं उनको देखेंगे, तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे. जैसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर मींस फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर है, उस पर वैल्यू निकालनी हमें. सो डेल्टा स्क्वायर 5x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. So first of all we have find out the value of delta, क्योंकि delta square है और delta की वैल्यू निकालेंगे. ये हमारे पास polynomial in terms of x है, so हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम taking h equal to 1, first of all h equal to 1 and second x square plus 5x plus 6 factorize करें, इसके गुणनफल करने पर हमारे पास आएगा x square plus 3x प्लस 2x प्लस 6, सो x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2x x प्लस 3, दिस इंप्लाइज x प्लस 3 एंड x प्लस 2. सो दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज कन्वर्ट इनटू x प्लस 3 एंड x प्लस 2. सिमिलर वे में हमारे पास यहां देखिए 5x प्लस 12 है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्टली करें और या फिर आप इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालें. सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर 5x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3 एंड x प्लस 2. देन वी हैव द वैल्यू डेल्टा ऑफ डेल्टा 5x प्लस 12 अपॉन x plus 3 and x plus 2. Therefore, delta of taking f of x plus h, fx equals to here 5x plus 12 upon x plus 3 and x plus 2. This is your fx. Then if f of x plus 1, so x ko replace kar dijiye, x will be replaced by x plus 1. So 5 x plus 1 plus 12 upon x plus 1 plus 3 x plus 1 plus 2. Therefore 5x plus 17 upon x plus 4 and x plus 3. So this implies 5x plus 17 upon x plus 4 x plus 3. This is the value of delta. This is the value of minus. This is the value of f of x plus 1 minus f x की value. तो ये जो delta है, इस delta के कारण क्या किया? ये जो हमारा f of x plus 1 है, this one minus this, f of x plus 1 minus f x. Minus f x is 5 x plus 12 upon x plus 3. x plus 3. So therefore delta of taking LCM x plus 2 x plus 3 x plus 4. अब x plus 3 और x plus 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x plus 2 and 5x plus 17 minus 5x प्लस 12 और यहाँ जाएगा x प्लस 4.
plus 17 and 5x plus 12, 5x plus 4 and so on. Now with using, या तो इसको multiply कीजिए and using, again using the delta. So delta जब using करेंगे तो x will be replaced by x plus 1. So next term आएगा x plus 3, 5x plus 5 more than 22 minus, या इसको solve कर लें पहले, पहले solve कर लेते हैं. So this implies delta of, इसको multiply किया तो 5x square plus 17x or plus 10x, 27x plus 34 minus 5x square 20x और 12x इतना हो 32, तो minus 32x और minus का 48 upon x plus 2, x plus 3, x plus 4. 5x square is 5x square cancel, minus में 5x और minus का 14. तो डेल्टा माइनस 5x, 32 माइनस 28 5x और 48 माइनस 34 इज माइनस 14 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. नाउ वी आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर. सो डेल्टा स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस delta of 5x plus 14 upon x plus 2, x plus 3, x plus 4. Now using the delta, f of x plus h is minus 5x plus 1 plus 14 upon x plus 3, x plus 4, x plus 5. X is replaced by x plus 1. This is your f of x plus 1 or this is your fx 14 upon x plus 2, x plus 3, x plus 4. These are the definitions. So इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे taking LCM. So minus x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5. Taking LCM. So 5x plus 14, 19 हो जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 5x plus 19 into x plus 2 minus 5x plus 14 into x plus 2. ऐसे मैंने फिर सॉल्व करें. नाउ इसको सॉल्व भी करें. नाउ सॉल्व भी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x square 10x और 19x 29x प्लस 38 माइनस 5x स्क्वायर 25x और 14x माइनस का 29x और माइनस का 70 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5. 29x, 29x, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर कैंसिल. ये देखिए 70, 70 माइनस 20, 38 इज 2 और 6 में से 3, 32 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 माइनस में 32 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5. दीज आर द सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर f ऑफ 5x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3 टू x प्लस 2. So this is your final answer. This is the second operator, forward operator for this function. फिर उसके आगे और example आपको बुक में दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करें. और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.